समुद्री व्यापार का किसी भी देश की प्रगति में बड़ा हाथ होता है। महाराष्ट्र का पहला ग्रीन फील्ड बंदरगाह रायगढ़ जिले दिगी गांव में स्थित है। ये एक मल्टीपर्पस ऑल वेदर बंदरगाह है। वेयरहाउस तथा पर्याप्त स्टॉकयार्ड की सुविधाओं लैस ये बंदरगाह हर तरह के कार्गो को बेहतर तरीके से परिवहन करने में सक्षम है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP भारतमाला परियोजना अंतर्गत प्रमुख बंदरगाहों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का तथा नेशनल कॉरिडोर्स को विकसित कर ज्यादा बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कार्य निभा रहा है। इसी के चलते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कार्यकुशल मार्गदर्शन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा MSRDC के माध्यम से दिघी बंदरगाह को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सड़क परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ है। कुल 131.87 किलोमीटर लंबाई वाली और 1036.15 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की इन तीन सड़क परियोजनाओं का आज श्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण होने जा रहा है। दिघी बंदरगाह को जोड़ने वाले इस एकमात्र सड़क परियोजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं। मारगांव मसला दिघी बंदरगाह नेशनल हाईवे 753F पर 0.00 किलोमीटर से 54.750 किलोमीटर तक की सड़क का दो लेन समेत कंक्रीटीकरण करना। इस परियोजना की कुल लंबाई 54.750 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 457.52 करोड़ रुपए है। इंदापुर तला आगर दांडा नेशनल हाईवे 548A पर 0.00 किलोमीटर से 42.345 किलोमीटर तक की सड़क का दो लेन समेत कंक्रीटीकरण करना। इस परियोजना की कुल लंबाई 42.345 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 355.17 करोड़ रुपए है। पुणे रायगढ़ जिला सीमा से मारगांव नेशनल हाईवे पर 69.00 किलोमीटर से 103.775 किलोमीटर तक की सड़क का डामरीकरण करना। इस परियोजना की कुल लंबाई 34.775 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 223.46 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से यहां के नजदीकी पर्यटन स्थल जैसे हरिहरेश्वर मंदिर, दिवेघर का सुवर्ण मंदिर, मुरुडजंजीरा किला, पद्म दुर्गा फोर्ट, श्रीवर्धन और दिवेघर समुद्री बीच को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी। इसी के साथ ही 430 करोड़ रुपए मूल्य तथा 42.30 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क परियोजना का भूमि पूजन समारोह श्री नितिन गडकरी जी के हाथों संपन्न हो रहा है, जिसमें पनवेल इंदापुर नेशनल हाईवे 66 पर 42.400 किलोमीटर से 84.600 किलोमीटर तक की लंबी सड़क का कंक्रीटीकरण होगा। साफ नियत सही विकास, इस मूल मंत्र को अपनाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय द्वारा परिचालित इस परियोजना से कई लाभ होंगे। मुंबई गोवा हाईवे और पुणे मारगांव हाईवे से दिघी बंदरगाह तथा पॉस्को स्टील लिमिटेड कंपनी की तरफ आने वाले भारी मालवाहक यातायात में सरलता आएगी। देश के विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। छोटे पैमाने पर होने वाले समुद्री व्यापार के लिए विकसित की गई आगर दांडा जेट्टी से वाहनों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सुरक्षित और शीघ्र सफर से कीमती समय और ईंधन की बचत होगी। इन परियोजनाओं से राष्ट्र के व्यापार और वाणिज्य को अधिक बढ़ावा देने में तथा सर्वसमावेशी प्रगति और विकास में योगदान देने में मदद मिलेगी।